अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि रेडमी नोट 10 प्रो में हमें कितने कलर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें तीन कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला कलर हमें ब्लैक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक फ्राम करता है। इसके साथ आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, इसके साथ ही आपको ऑरेंज कलर भी देखने को मिलता है। ये एक लेटेस्ट कलर है जो कि शाओमी अपने फर्स्ट टाइम फ़ोन में लेके आया है, तो काफ़ी अच्छा कलर है। ये यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट के निशान भी देखने को नहीं मिलते, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको ग्लास बिल्ड दी जा रही है और आपको फिंगरप्रिंट भी नहीं देखने को मिलेंगे फ़ोन में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है शाओमी की तरफ से। अगर हम बैक साइड की बात करें तो 108 मेगा का कैमरा हमें रेडमी नोट 10 प्रो में देखने को मिलता है। लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत फ़ोन बनाया गया है। अपने फेवरेट कलर की बात करूँ तो मुझे ब्लैक कलर काफ़ी डैशिंग लगा है, क्योंकि आपको एक अलग ही इसकी लुक देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रूव है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है, तो आपको लुक वाइज भी काफ़ी फ़ोन अच्छा। अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो आपको वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को नहीं मिलते, ऑरेंज कलर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर हम बात करें रेडमी नोट 10 की, यहाँ पर अभी हमें तीन कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको वाइट देखने को मिलता है, इसके साथ आपको ग्रे देखने को मिलता है और ब्लैक देखने को मिलता है। तो वाइट कलर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इसके साथ आपको ग्रे कलर भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिलता है रेडमी नोट 10 में। तो दोनों फ़ोनों में, दोनों ही वेरियंट में हमें तीन तीन कलर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत इस दफ़ा कलर देखने को मिले हैं। आपको इस चैनल पर अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी और हम कैमरा टच भी करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।